जुबली हिल्स चेकपोस्ट के पास पुलिस चेकिंग के दौरान दो अफराद कोकीन के साथ गिरफ्तार। पुलिस ने बताया 29 साल रोतमी उर्फ सुल्तान नाइजेरियन का रहने वाला है। दूसरा तेलुगु फिल्म एक्टर 29 साल उदय किरण जो के ईस्ट गोदावरी का रहने वाला है। ईस्ट जोन टास्क फोर्स पुलिस ने चेकिंग के दौरान इनके पास से 15 ग्राम कोकीन बरामद हुआ जिस पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रोतमी ने काम के वीज़े पर हिंदुस्तान आया और इसने सूडानी हकीम नामी शख्स जो कि दिल्ली का रहने वाला है, रोतमी ने इसके पास से 1 ग्राम कोकीन 1500 रुपये में खरीदा। बेंगलुरु और हैदराबाद के ग्राहकों को 2000 से 3000 रुपयों में फरोख्त करता। पुलिस ने इनके पास से जुमला 15 ग्राम कोकीन को जब्त कर लिया। इन दोनों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ तहकीकात है। मीडिया से बातचीत करते हुए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस बी लिम्बा रेड्डी ने यह बात बताई। उनके हमरा और भी पुलिस के अहदेदार मौजूद थे। आपने क्रेडिबल इंफॉर्मेशन के ऊपर दो जनों को कस्टडी में लिए जुबली चेकपोस्ट करें, उनके पास 15 ग्राम्स का कोकाइन सीज करें। एक नाइजेरियन नेशनल है, उनका नाम रिटोमो ओलोसोलो अलियास सुल्तान, और दूसरा एक फिल्म एक्टर नंडूरी उदय किरण। तो नाइजेरियन इनो हकीम बोल के दिल्ली में रहता है, वो सूडान नेशनल का है, उनके पास से ड्रग खरीद के लाए कोकेन का, 1500-2000 के ग्राम के हिसाब से लाके यहाँ 3000 और ऊपर भी जितने डिमांड के ऊपर इनो लोगों को दे रहे। ये जो आदमी एक्यूज 2009 में आया था इंडिया बिजनेस के बिजनेस वीजा के ऊपर, और बार बार वो एक्सटेंशन करते हुए आते हुए जा रहे। ये जो ड्रग पेडलर है इनो, वैसे नंडूरी उदय किरण भी एक 4 सिनेमा में एक्ट करे सो है, एक फेसबुक